हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज अपनी सैस इन हिंदी वीडियो सीरीज में आज मैं बात करूंगा आपसे वेरिएबल्स और ऑब्जर्वेशंस के बारे में। सैस में वेरिएबल्स हम किन्हें कहते हैं और ऑब्जर्वेशंस हम किन्हें कहते हैं, और ये हमारी रियल लाइफ जो डे टू डे हम एक्सेल यूज करते हैं उसमें इनको क्या कहते हैं। देखिए, चीज़ें एक ही होती हैं लेकिन जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की तो उनकी टर्मिनोलॉजी जो होती है वो बदल जाती है और हमको उसे अडाप्ट करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अगर हम किसी से इन जनरल किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा। अगर वो उसने दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ की हैं तो वो जान जाएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसने वो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की है जिसकी टर्मिनोलॉजी आप किसी और टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा और फिर आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर आप एज अ SAS डेवलपर किसी से बात करते हैं तो आपको वो टर्मिनोलॉजी आनी ही चाहिए जो SAS में यूज़ होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम एक्सेल स्प्रेडशीट खोल लेते हैं, ये क्योंकि सभी लोग यूज करते हैं। SAS जो यूज करते हैं वो भी एक्सेल तो यूज करते ही हैं। तो हमारे पास, हम अगर एक्सेल में देखें तो हम जानते हैं कॉलम्स और रोज, ABCDE, ये जो हैं हमारे, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। इन कॉलम्स के हमारे नाम होते हैं, सीरियल नंबर, नेम, सिटी, स्टेट। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो अलग अलग चीजों को डिफाइन करते हैं। उसके अलावा इन वेरिएबल्स के अंडर में अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम यहाँ पे एक्सेल में रोज कहते हैं। सीरियल नंबर, नेम, सिटी, स्टेट, ये हमारे वेरिएबल्स हैं जिनको हम SAS में वेरिएबल्स कहते हैं। एक्सेल में हम इन्हें कॉलम्स कहेंगे। अभी एक्सेल की बात करते हैं तो इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5 जो आप देख रहे हैं ये हमारे रोज होते हैं। तो एक्सेल स्प्रेडशीट में कॉलम्स और रोज। अच्छा, अब हम SAS में आ जाते हैं। हम एक डेटा सेट ओपन कर लेते हैं, किसी भी एक डेटा सेट को ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे ओपन। अब अगर आप यहाँ पे देखें ID नंबर, पॉलिटिकल सब डिविजन, प्रोजेक्टेड लॉन्जिट्यूड, तो यहाँ भी हमारे पास कॉलम्स हैं और ये हमारे रोज हैं। कॉलम्स रोज, कॉलम्स रोज। लेकिन जब हम बात करते हैं SAS की, और अगर हमें किसी और से भी बात करनी हो तो SAS की टर्मिनोलॉजी में जो हमारे कॉलम्स हैं इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जो हमारे रोज एक्सेल में होते हैं उनको हम SAS में यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। तो कॉलम्स मीन्स वेरिएबल्स और रोज मीन्स ऑब्जर्वेशंस। तो ये एक अच्छी बात होती है कि अगर आप किसी से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी SAS के बारे में बात करें किसी SAS डेवलपर से, तो हम वही टर्मिनोलॉजी यूज करें जो वहां पे यूज होती है, इससे कंफ्यूजन कम होती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेल में हम बोलते हैं कॉलम्स और रोज, SAS में हम बोलते हैं वेरिएबल्स और ऑब्जर्वेशंस। तो ये बताना यहाँ पे इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे और वीडियोस में, तो हम बात करेंगे वेरिएबल्स और ऑब्जर्वेशंस के बारे में, ना कि कॉलम्स और रोज के बारे में। तो ध्यान रहे कि वेरिएबल से मेरा मतलब होता है जो हमारे इस तरह के हेडर्स हैं, और ऑब्जर्वेशन से मेरा मतलब होता है उन हेडर्स के अंडर में जो हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने ऑब्जर्वेशंस और वेरिएबल्स के बारे में बात की। आप ध्यान रखिएगा फ्यूचर में अगर हम वेरिएबल्स और ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं तो ये क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।